हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्णात्मक शोध प्रारूप। आज के हमारे इस वीडियो में हम वर्णात्मक शोध प्रारूप के विषय में जानेंगे, तो आइए जानते हैं इस विषय में। शिक्षा तथा मनोविज्ञान संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में वर्णात्मक अनुसंधान का सबसे अधिक महत्व है और यह बड़े व्यापक रूप में व्यवहार में आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा और मनोविज्ञान संबंधी जो अनुसंधान किए जाते हैं, उन अनुसंधान के क्षेत्र में वर्णात्मक अनुसंधान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार वर्णात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जॉन डब्ल्यू वेस्ट का यह मानना है कि वर्णात्मक अनुसंधान क्या है इस तथ्य का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्णात्मक शोध विधि के अंतर्गत शोधकर्ता जिस शोध समस्या को लेकर अनुसंधान कर रहा है, उस शोध समस्या के विषय में यह जानने का प्रयास करता है कि वह शोध समस्या क्या है, इस अनुसंधान के अंतर्गत क्या है का अध्ययन किया जाता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट का यह कथन है कि वर्णात्मक अनुसंधान परिस्थितियां अथवा संबंध जो वास्तव में वर्तमान में है, अभ्यास जो चालू है अर्थात जो अभ्यास चल रहा है, विश्वास, विचारधारा, अभिवृत्तियाँ जो पाई जा रही हैं, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही हैं, इन सभी से संबंधित होता है। मोले के अनुसार वर्णनात्मक अथवा सर्वेक्षण संबंधी अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवहार में आता है। इसके सर्वे, नॉर्मेटिव सर्वे, स्टेटस और वर्णनात्मक अनुसंधान आदि अनेक नाम हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मौले का यह मानना है कि वर्णनात्मक अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण संबंधी अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यवहार में लाया जाता है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक इस विधि का प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान को सर्वे, नॉर्मेटिव सर्वे, स्टेटस और वर्णनात्मक अनुसंधान जैसे अनेकों नाम से जाना जाता है। मौले का यह कथन है कि यह एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत अनेक विशिष्ट विधियां तथा प्रक्रियाएं आती हैं। उद्देश्य की दृष्टि से सब लगभग समान होती हैं, अर्थात अध्ययन से संबंधित विषय के स्तर का निर्धारण करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मौले का यह मानना है कि वर्णात्मक अनुसंधान एक विस्तृत वर्गीकरण है। ये वर्णात्मक अनुसंधान को एक विस्तृत वर्गीकरण मानते हैं जिसके अंतर्गत अनेकों विशिष्ट विधियां तथा प्रक्रियाएं आती हैं। इनका यह मानना है कि उद्देश्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उद्देश्य की दृष्टि से ये सभी लगभग एक समान ही होती हैं। आइए अब जानते हैं वर्णात्मक तथा निदानात्मक शोध प्रारूप के मध्य पाए जाने वाले अंतर के विषय में। इनके मध्य पाया जाने वाला पहला अंतर यह है कि वर्णात्मक शोध प्रारूप का क्षेत्र निदानात्मक शोध प्रारूप की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णात्मक शोध प्रारूप और निदानात्मक शोध प्रारूप के मध्य एक अंतर क्षेत्र के आधार पर पाया जाता है, क्योंकि वर्णात्मक शोध प्रारूप का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि निदानात्मक शोध प्रारूप का क्षेत्र वर्णात्मक शोध प्रारूप के क्षेत्र की तुलना में छोटा होता है। निदानात्मक शोध विधि तथा वर्णात्मक शोध विधि के मध्य पाया जाने वाला दूसरा अंतर यह है कि निदानात्मक शोध प्रारूप का निर्माण किसी विशेष समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए ही किया जाता है, जबकि वर्णात्मक शोध प्रारूप किसी भी सामाजिक घटना अथवा समस्या के अध्ययन से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निदानात्मक शोध प्रारूप का निर्माण जब किसी विशेष समस्या का समाधान ढूंढना होता है तभी किया जाता है। इस अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता शोध के कारण और निवारण पर अधिक ध्यान देता है, जबकि इसके विपरीत वर्णात्मक शोध प्रारूप किसी भी समस्या या फिर सामाजिक घटना के अध्ययन से संबंधित होता है। सरल शब्दों में कहें तो इसका निर्माण केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वर्णात्मक शोध प्रारूप के अंतर्गत शोधकर्ता किसी भी समस्या या फिर सामाजिक घटना के विषय में अधिक से अधिक अध्ययन करके सामाजिक घटना अथवा समस्या के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। इनके मध्य पाया जाने वाला तीसरा अंतर यह है कि वर्णात्मक शोध में अनुभव सिद्ध तथ्यों का महत्व होते हुए भी
उसमें द्वैतिक तथ्यों का विशेष स्थान होता है, जबकि निदानात्मक शोध प्रारूप प्राथमिक तथ्यों पर आधारित एक अनुभव सिद्ध अध्ययन है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्णनात्मक शोध प्रारूप तथा निदानात्मक शोध प्रारूप के मध्य एक अंतर तथ्यों के आधार पर भी पाया जाता है। वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत अनुभव सिद्ध तथ्यों के महत्व के साथ साथ द्वैतिक तथ्यों का भी समावेश किया जाता है। वर्णनात्मक शोध में द्वैतिक तथ्यों को भी विशेष स्थान दिया जाता है, जबकि इसके विपरीत निदानात्मक शोध प्रारूप में द्वैतिक तथ्यों की अपेक्षा शोधकर्ता प्राथमिक तथ्यों पर अधिक बल देते हैं। निदानात्मक शोध प्रारूप प्राथमिक तथ्यों पर आधारित एक अनुभव सिद्ध अध्ययन है। वर्णनात्मक शोध प्रारूप तथा निदानात्मक शोध प्रारूप के मध्य पाया जाने वाला चौथा अंतर यह है कि वर्णनात्मक शोध प्रारूप का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना होता है, जबकि निदानात्मक शोध प्रारूप का मुख्य उद्देश्य समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णनात्मक शोध प्रारूप के अंतर्गत शोधकर्ता शोध समस्या के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करता है, जबकि इसके विपरीत निदानात्मक शोध प्रारूप के अंतर्गत शोधकर्ता शोध समस्या के विषय में अधिक से अधिक अध्ययन करके शोध समस्या से संबंधित समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इनके मध्य पाया जाने वाला पांचवा अंतर यह है कि निदानात्मक शोध में किसी विशेष समस्या या समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारणों की जानकारी पर जोर दिया जाता है, जबकि वर्णनात्मक शोध प्रारूप में कार्य कारण संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो निदानात्मक शोध के अंतर्गत शोधकर्ता किसी विशेष समस्या या फिर समस्याओं के लिए जो कारण उत्तरदायी हैं, अर्थात जिन कारणों के कारण वे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है। निदानात्मक शोध के अंतर्गत कार्य और कारण के मध्य संबंध स्थापित करने पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि इसके विपरीत वर्णनात्मक शोध प्रारूप में कार्य और कारण के मध्य संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता। इसके मध्य पाया जाने वाला छठा अंतर यह है कि निदानात्मक शोध अभिकल्प में उपकल्पना को विशेष स्थान दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निदानात्मक शोध अभिकल्प के अंतर्गत शोधकर्ता के लिए उपकल्पना का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि उपकल्पना के अभाव में समस्या से संबंधित कारणों के तुलनात्मक प्रभाव को जानना कठिन हो सकता है, जबकि इसके विपरीत वर्णनात्मक शोध प्रारूप पूर्ण रूपेण उपकल्पना से प्रेरित नहीं होता, क्योंकि वर्णनात्मक शोध प्रारूप पूर्ण रूपेण उपकल्पना से प्रेरित नहीं होता है, अतः इसी कारण इसमें अक्सर अनावश्यक तत्वों का समावेश हो जाता है। वर्णनात्मक शोध प्रारूप तथा निदानात्मक शोध प्रारूप के मध्य पाया जाने वाला सातवां अंतर यह है कि वर्णनात्मक शोध प्रारूप की तुलना में निदानात्मक शोध प्रारूप को अत्यधिक उपयोगी माना जा सकता है, क्योंकि वर्णनात्मक शोध में ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होने के कारण उसकी वस्तुनिष्ठता संदेहपूर्ण हो जाती है, जबकि निदानात्मक शोध वर्तमान तथ्यों पर आधारित होने के कारण अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी वर्णनात्मक शोध प्रारूप के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।